नंबर साहब लोग साबे वाली से मुतलक है, इनका बायां बाजू जो है वो शैल लगने की वजह से शैलकोट की मांस में कट गया। एक साल ये जो है ना जेलम सीएमएच में मेरे इलाज रहे और 1972 में रिटायर्ड हो गए थे। इनका तल्लक आपका 1975 रेजिमेंट से था, तो हम इनको खराज तस्वीर पेश कर दी सर आपके राज्य यार नवे से रेख नवे से रेखा आज यौम दफा पाकिस्तान का 6 सितंबर आज दिन है। हम अफवाज पाकिस्तान को भरपूर तरीके से खराज अकीदत भी पेश करते हैं, खराज तहसीन भी पेश करते हैं। ये अफवाज पाकिस्तान की बेपनाह अनगिनत कुर्बानियों का नतीजा था कि अल्लाह के फजलो करम से हम जीते और आज तक पाकिस्तान कायम रहा है अल्लाह की मेहरबानी से। ये अफवाज जी की बदौलत है कि ये मुल्क चल रहा है, हिंदुस्तान अपना तन मन धन लगा रहा है कि किसी तरीके से अफवाज पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, उनकी पब्लिक के अंदर उनकी इज्जत में कमी लाई जाए। लेकिन मैं समझता हूँ हमारा रब करीम रब जलील पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ा है इंशाल्लाह। और जब ऐसे जवान मर्द जनाब गुलाम रब्बानी साहब और जिन्होंने 1971 की जंग में 1971 में हिस्सा लिया, भरपूर इनका बाजू भी कट गया सीएमएच पिंडी अपना जेलम में ये जेर इलाज भी रहे, और फिर जब ये रिटायर हुए तो ये आके लोगों ने इनको इतनी पजीराई मिली इनको कि इनको बाकायदा लोगों ने मेंबर बनाया और बेताज बादशाह है अपने इलाके के अलावा। और मैं समझता हूँ कि इनकी इनको हम खराज अकीदत पेश करते हैं। ज़िया साहब एक आप इनको ये हार पहनाएंगे इंशाल्लाह, इनकी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए एक नाजम साहब का शुक्र बड़ी मुबारक हो जबरदस्त। इनकी वजह से ये मुल्क कायम है। ऐसे गाजी और जो शहीद हो गए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वैसे ही उनके दर्जात बुलंद है, हम कहें या ना कहें उनके बहुत बुलंद दर्जात हैं। उनके अबाओ अजदाद जो पीछे रह गए हैं या उनके वारसीन अल्लाह उनको हिम्मत भी दे और सब एक जमी जाता है। 93.47 को इतना परसेंट हमने निकलवाया था जब देखा तो बेशुमार लोग यहाँ फौज के जो है वो मौजूद हैं।